करके दुनिया में जो भारत का मान बढ़ा रहे, सम्मान बढ़ा रहे, अपनी कर्मठता से, कार्यकुशलता से हर प्रकार के कामों का जनता के बीच में सुशासन के साथ पारदर्शिता की स्थापना करने के लिए कृतसंकल्पित यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे बीच मौजूद है। ये और आनंद की बात है माननीय प्रधानमंत्री जी, बालाघाट को टाइगर जिले के नाम, टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, टाइगर जिले के नाम से। और हमारा सौभाग्य कि हमारे बीच हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आज इस नाम को सार्थक करने के लिए यहां मौजूद हुए। जोरदार ताली बजा करके हमारे बालाघाट की धरती स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे अपने मध्य प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से पिछली विधानसभा में जनता से अपील की थी और हमने भी वो नारा सबने दोहराया था, एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है जनता ने इतना जबरदस्त प्रतिसाद दिया कि 163 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर दी थी। हम अभिनंदन करें अपने इस पुरानी सरकार के गठन के समय माननीय मोदी जी के योगदान का। मैं दो छोटी छोटी बात करते हुए अपनी बात पूरी करूंगा। हमारे बीच में इसी बालाघाट की धरती पर नया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज देने का प्रयास हमने किया है। जोरदार ताली बजा करके अपने नए मेडिकल कॉलेज की बात करें और साथ ही साथ कोदो कुटकी जो हमारे आदिवासी अंचल की फसल होती है इसके 1000 रुपये प्रति क्विंटल हमारी सरकार ने बढ़ाया। साथ ही साथ हमारे सबकी जानकारी में है गेहूं के लिए 125 रुपये का बोनस और धान के लिए भी आगामी बजट के समय हमने जो संकल्प पत्र लिया है उस संकल्प पत्र को हम पूरा करेंगे, क्योंकि ये मोदी की गारंटी है, जो बात कही जाती है वो सब पूरी की जाती है। जोरदार तालियां बजाए एक बार हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, वंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वाल्मीकि के दिव्य श्लोक हैं, तुलसी की चौपाई है, महावीर से व्रतधारी नानक के अनुयायी हैं, सत्यशील में बुद्ध के जैसे सहज सनातन सेवक सच्चे, विश्व क्षितिज में मोदी जी नव भारत की अरुणाई है। पूरे सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। सभी लोग खड़े होकर दोनों तालियों की साथ मोदी। जय श्री कोटेश्वर महादेव, जय मां कालीपाट, जय मां गढ़कालिका। आज देश के विभिन्न हिस्सों में नववर्ष मनाया जाता है। आज नवरात्रि का भी आरंभ हुआ है। मैं आप सभी को नववर्ष की और नवरात्रि की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बालाघाट की धरती भारत की नारी शक्ति के पराक्रम की साक्षी है। मैं वीरांगना रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई की इस धरती को प्रणाम करता हूं। आज जनता जनार्दन का ये सैलाब, ये जन सैलाब, ऐसा लग रहा है जैसे केसरिया सागर नजर आ रहा है।
और इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों का स्नेह, उनके आशीर्वाद, ये साफ साफ दिखा रहा है कि 4 जून को मध्य प्रदेश में क्या परिणाम आने वाले हैं। चार पांच महीने पहले विधानसभा चुनाव में ही यहां आप सब लोगों ने मिलकर के कांग्रेस को पूरी तरह साफ कर दिया। अब लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस के लोग भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और इसलिए एमपी के कोने कोने से आवाज आ रही है, फिर एक बार। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव 21वीं सदी के भारत का बहुत अहम चुनाव है। ये सिर्फ चुनाव नहीं है, कौन एमपी बने कौन न बने इतने भर का ये चुनाव नहीं है। ये चुनाव नए भारत के निर्माण का मिशन है। ये विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को नई ऊर्जा देने वाला चुनाव है। जब G20 में दुनिया के बड़े बड़े फैसले, असंभव लगने वाले फैसले भारत में लिए जाते हैं, तो हर देशवासी को लगता है उसकी ताकत बढ़ गई है। जब अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक भारत का डंका बजता है, तो हर देशवासी को लगता है कि उसका अपना सम्मान बढ़ा है। कभी कांग्रेस सरकार अपनी शिकायतें लेकर दूसरे देशों के पास जाती रहती थी, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। दुनिया के बड़े बड़े देश, आपस में युद्ध कर रहे देश, भारत से अपने मुद्दों पर बात करने के लिए आते हैं। अपने देश का ये रुतबा देखकर हर हिंदुस्तानी का हौसला बुलंद हो जाता है। ये चुनाव देश के इसी बदलाव को नई बुलंदी देने का चुनाव है। साथियों, आजादी के बाद दशकों तक कांग्रेस बहुत ही पुरानी सोच पर चली। एक तो उनके मन में आजादी के आंदोलन का अहंकार भरा पड़ा था, और सामान्य मानवीय जो आजादी के आंदोलन में त्याग किया, तपस्या की, बलिदान किया, उसको उन्होंने सत्ता में आते ही नकार दिया। और एक छोटी सी कोठरी, छोटा सा परिवार का कुनबा हावी हो गया, और उसी की सोच देश को पिछड़ेपन की तरफ धकेलती गई। कांग्रेस सोचती थी
हम तो गरीब देश है और गरीब देश को आधुनिक सड़कों की, आधुनिक रेल की, नए एयरपोर्ट की क्या जरूरत है। कांग्रेस के बड़े नेता जिन दो तीन बड़े शहरों में रहते थे, वहां अपने लिए सुविधाएं जुटाकर ये लोग देश के दूसरे शहरों को भूल जाते थे। सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रही बीजेपी सरकार देश के हर शहर को, देश के हर गांव को प्राथमिकता दे रही है। हमारी सरकार देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। आधुनिक सुविधाओं पर इतना पैसा देश की किसी सरकार ने आज तक खर्च नहीं किया है। आज चाहे यहां सिवनी नागपुर के बीच फोर लेन हाईवे हो, गोंदिया बालाघाट सिवनी हाईवे हो, नर्मदा प्रगति पथ विंध्य प्रगति पथ हो, आधुनिक वंदे भारत ट्रेन हो, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश के 80 स्टेशनों का विकास हो, बीजेपी सरकार एमपी का कायाकल्प कर रही है। बालाघाट से गोंडिया वाली जिस ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की नींव करीब 30 साल पहले रखी गई थी, उसे भी ये मोदी ने आकर के पूरा किया। बालाघाट की वारा सिवनी हैंडलूम साड़ियों को जीआई टैग मिले, बनारसी साड़ियों की तरह उनकी भी धूम मचे, बीजेपी सरकार इसके लिए भी काम कर रही है। यही विकसित मध्य प्रदेश से विकसित भारत की मोदी की गारंटी है। ये बदलाव केवल 10 वर्षों की मेहनत का परिणाम है। इतना सारा हुआ है, लेकिन मोदी का तो यही कहना है कि ये तो अभी ट्रेलर है। अभी तो बहुत कुछ करना है, देश को बहुत आगे लेकर जाना है। भाइयों बहनों, आप मेरी जिंदगी को जानते हैं, बहुत बारीकी से आपने मुझे बराबर देखा है, तराशा है, और आपने देखा है मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी मेहनत करता है क्योंकि उसके लक्ष्य बहुत बड़े हैं, देश के लिए है, आपके लिए है, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए है। और ये मेहनत इसलिए कर रहा हूं, जब इतना सारा काम हुआ तो लोग कहते हैं मोदी जी आप उसको ट्रेलर क्यों कहते हैं, इतना सारा कर लिया। अब मैं गांव की भाषा में अगर समझाना है तो मैं यही कहता हूं कि आपने देखा होगा गांव में दिवाली के दिनों में बड़ा रॉकेट छोड़ना है, बहुत ऊंचे जाने वाला रॉकेट छोड़ना है, तो बच्चे क्या करते हैं, पहले वो फूलझड़ी होती है ना, उसको जलाते हैं, फिर दूर से फूलझड़ी से उस रॉकेट को अग्नि देते हैं और फिर रॉकेट उड़ता है। होता है ना ऐसा होता है ना। अब फूलझड़ी देख करके भी लगता तो है वाह वाह बहुत बढ़िया पटाखे फूट रहे हैं,
लेकिन उसका लक्ष्य तो उस रॉकेट को ऊपर ले जाना होता है। वैसे ही मोदी ने अब तक जो काम किया है ना, वो तो फुलझड़ी है, फुलझड़ी। अभी तो विकास का रॉकेट और ऊंचे ले जाना है, भारत के पूरे सामर्थ्य से असली दिवाली मननी ये तो अभी बाकी है। और इसके लिए ही मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। साथियों, आज भाजपा सरकार वंचितों को वरीयता देते हुए काम कर रही है। भाजपा ने समाज के उस दलित, पिछड़ा, आदिवासी वर्ग को सम्मान दिया है जिसे पिछली सरकारों ने पहचान से भी वंचित रखा था। आज बीजेपी सरकार एमपी में 5.5 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दे रहा है। ये राशन पाने वाले बहुत बड़ी संख्या में इसी वंचित समाज से आते हैं। एमपी के 44 लाख गरीब और वंचित लोगों को तब तक पक्का घर नहीं मिला जब तक मोदी ने संकल्प नहीं लिया। एक समय था जब मध्य प्रदेश में केवल 10% घरों में पाइप से पानी पहुंचता था। अधिकांश आदिवासी इलाकों में पानी की सप्लाई की सुविधा तक नहीं थी। हमने इतने कम समय में एमपी के करीब 70 लाख घरों में नल से जल की सुविधा पहुंचा दी है। आज एमपी के 80 लाख से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। यहां का किसान जो चिन्नौर चावल उगाता है और जो मुझे भी बैंड भी दिया गया, उसे अब पूरे देश में पहचान मिली है। यही नहीं, कांग्रेस ने हमारे आदिवासी भाई बहनों को जल, जंगल, जमीन के अधिकारों से भी वंचित रखा। आज 1 करोड़ से ज्यादा जनजातीय समाज के लोग पेसा कानून का लाभ ले रहे हैं। लाखों आदिवासी भाई बहनों को वन अधिकार का पट्टा भी भाजपा सरकार ने ही दिया है। मध्य प्रदेश में हमारे युवा साथी मोहन यादव जी और उनकी सरकार गरीब और आदिवासी समाज के कल्याण के लिए दिन रात काम कर रही है। लेकिन साथियों, दूसरी ओर कांग्रेस है जो अभी भी अपनी पुरानी मानसिकता में जकड़ी हुई है। भाजपा जब देश में पहली महिला, आदिवासी महिला राष्ट्रपति के लिए आगे बढ़ी, तब कांग्रेस ने उन्हें हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी। कांग्रेस ने कभी आदिवासी विरासत का सम्मान भी नहीं किया। कांग्रेस ने तो गोविंद गुरु जैसे क्रांतिकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा तक नहीं दिया था। कांग्रेस आजादी का श्रेय किसी आदिवासी को नहीं, अपने शाही परिवार को देना चाहती है। ये हमारी सरकार है जिसने गोविंद गुरु को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया। ये हमारी सरकार ने
टंटियांग मामा को सम्मान दिया। ये हमारी सरकार ने पहली बार भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत की। आप मुझे बताइए, इस कांग्रेस को क्या एक भी सीट पर मौका मिलना चाहिए क्या? एक पर भी मिलना चाहिए क्या? पूरी तरह क्लीन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? साथियों, कांग्रेस ने अब आजकल एक इंडी अलायंस बनाकर देश के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। ये लोग आपस में एक दूसरे से झगड़ते हैं, लेकिन कहते हैं कि मोदी को रोकने के लिए साथ आए हैं, लेकिन असल में उन्हें मोदी को नहीं रखना है। इंडी गठबंधन वालों को मोदी को रोकना नहीं है, देश के विकास को रोकना है। इसलिए ये लोग मोदी को गालियां दे रहे हैं, मोदी को धमकियां दे रहे हैं, मैं अपना सब कुछ छोड़कर देश सेवा के मिशन को लेकर चला हूं। मोदी के लिए मेरा भारत ही मेरा परिवार है। जो लोग अपनी तिजोरियां भरने राजनीति में आए हैं, वो मोदी को धमकी न दें। मोदी तो अपनी कमाई भी देश के काम लगा देने की आदत रखता है। मैं एमपी की धरती से बताना चाहता हूं, मोदी भक्त है महाकाल का। मोदी झुकता है तो या तो जनता जनार्दन के सामने या महाकाल के सामने। मैंने महाकाल से देश सेवा के लिए गालियां और अपमान को बर्दाश्त करना सीखा है, और मैंने देश विरोधी ताकतों को अंजाम तक पहुंचाना भी सीखा है। मोदी इनकी गीदर भभकियों से डरने वाला नहीं है। साथियों, ये इंडी गठबंधन मुझसे कितना चिढ़े हुए हैं ये पूरा देश देख रहा है। मोदी देश की सुरक्षा की गारंटी देता है तो लोग मोदी को गाली देते हैं। मोदी कश्मीर से 370 को हटाने की गारंटी पूरी करता है तो ये लोग पाकिस्तानी की भाषा बोलने लग जाते हैं। मोदी गरीब कल्याण की गारंटी देता है, माताओं बहनों के लिए इज्जत घर बनाने की बात करता है तो ये लोग मोदी का मजाक उड़ाते हैं। बालाघाट की ये धरती, राम पायली की ये भूमि जो भगवान राम के वनगमन से जुड़ी है, उन्हीं रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो ये लोग मोदी को गाली देते हैं। और केवल मोदी को गाली दे तो समझ आता है, इंडिया अलायंस के लोग सनातन धर्म को नष्ट करने की सौगंध खाकर चुनाव में उतरे हैं। भाइयों और बहनों, मुझसे इनकी एक और बड़ी दुश्मनी है। बीजेपी सरकार आज भ्रष्टाचार के एक एक रास्ते को बंद कर रही है। बीजेपी सरकार गरीबों के हक का पैसा सीधे गरीबों के खाते में भेज रही है। जिन्होंने देश का पैसा लूटा है, अब उनके ऊपर कानून का शिकंजा भी कसा जा रहा है। परिवारवादी पार्टियों के नेताओं के पास से खुलेआम सैकड़ों करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं। नोट गिनने वाली मशीनें थक जाती है, बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग बिना किसी शर्म के खुलेआम भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई रोकने के लिए रैलियां कर रहे हैं। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ।
इंडिया अलायंस में इकट्ठा हुए इन लोगों की मुझसे यही दुश्मनी है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, भ्रष्टाचार का पैसा जिस जिस तिजोरी में गया है उसे मैं बाहर निकाल के रहूंगा। अगले 5 साल ये काम और तेजी से होगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सख्ती से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। साथियों, तीसरे कार्यकाल में देश बड़े और ऐतिहासिक फैसले ले सके, इसलिए मुझे आपका भरपूर आशीर्वाद चाहिए। बीजेपी ने बालाघाट से श्रीमती भारती पारधी को और मंडला से श्री फगन सिंह कुलस्ते को प्रत्याशी बनाया है। इन्हें आप रिकॉर्ड मतों से विजयी बना करके भेजेंगे तो मोदी को मजबूती मिलेगी। 19 अप्रैल को गर्मी कितनी ही भयंकर क्यों न हो, हमें मतदान के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं, तोड़ेंगे। इस बार हमने हर पोलिंग बूथ जीतना है, जीतोगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराओगे। अच्छा, मेरा एक काम करोगे, करोगे? इधर से तो आवाज नहीं आ रही है, करोगे? वो पीछे से आवाज नहीं आ रही, मेरा काम करोगे, पक्का करोगे? लेकिन ये चुनाव वाला काम नहीं है, करोगे? देखिए, 19 अप्रैल तक आप अनेक परिवारों में जाएंगे, जब उन सबको मिलने जाएं तो उनको कहना कि अपने मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है, मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे, हर घर में पहुंचा दोगे। जब मेरा प्रणाम आप पहुंचाओगे ना, तो हर घर के माता बहनें मुझे आशीर्वाद देगी और उनके आशीर्वाद मेरी बहुत बड़ी ऊर्जा है, देश के लिए दौड़ने की ताकत है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।